हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको और एक डोम दिखाऊंगा जो हमारे एक फ्रेंड का है, मेरा एक फ्रेंड का है जो जूनियर है, अभी इस साल ही आया है ड्रेसडन में और वो सेम मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो मैंने सोचा चलो आपको उसका भी डोम दिखा देता हूँ। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि इससे पहले मैंने ऑलरेडी दो डोम के वीडियो शूट किए। सबसे पहला डोम था वो मेरा जिसमें 20 शेयरिंग था, देन दूसरा डोम जिसमें 8 शेयरिंग था। उन सब की लिंक यहाँ पे आ जाएगी, आप देख लेना अगर नहीं देखा है तो। और ये आज का जो डोम देखेंगे ना, हम 7 शेयरिंग में देखेंगे। तो इस डोम के बारे में सब डिटेल में आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो ये वाला डोम है, इसका नाम है गुजको स्ट्राशर 2933। तो आज का यहाँ का आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है आज। आज का मतलब रेगुलर टेम्परेचर -3 बट फील्स लाइक -7 है, तो बहुत ही ज़्यादा स्नो है। तो हम आगे की वीडियो में वॉशिंग एंड ड्राइंग का सेक्शन देखेंगे, देन हम देखेंगे यहाँ पे उन लोगों को कितना बड़ा किचन मिलता है, कितना बड़ा रूम होता है, एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे रेंट एंड उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, बहुत ठंड लग रही है मेरे को यहाँ पे, और जल्दी से अंदर जाते और सभी चीज़ें मैं आपको एक वन बाय वन करके दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। यहाँ पे पीछे ही एंट्रेंस है, हम जाएंगे, तो चलो मेरे साथ चलो अंदर और मैं आपको एक एक चीज़ें वन बाय वन करके दिखाता हूँ। तो ये है एंट्रेंस के बाद में हम अंदर आते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे पोस्ट बॉक्स है दोनों साइड पे और उसके ऊपर रूम नंबर्स लिखे होते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सेम ही चीज़ है और दो वीडियो देखिए आपको तो आइडिया आ जाएगा इस सेक्शन के बारे में। रूम नंबर होता है और उनका यहाँ पे पोस्ट बॉक्स होता है, देन आपको यहाँ पे जो भी चीज़ पोस्ट आती है वो यहाँ पे होती है। हम हर दिन इसको चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे सब कम्युनिकेशन पेपर से ही होती है, तो हमको हर दिन पोस्ट बॉक्स चेक करना ही करना है। और देन चलो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देखेंगे क्योंकि आप पिछले वीडियो देख लो जिसमें मैंने सब चीज़ें डिटेल में बताई है पोस्ट बॉक्स के बारे में जर्मनी में। तो ऊपर जाके हम मेरे फ्रेंड का रूम, किचन एंड वॉशिंग फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलो अभी ऊपर जाते हैं। तो हम यहाँ पे है ना, उसका रूम नंबर है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 407, देन बेल प्रेस करूंगा, देन वो अभी खोलेगा, देन तभी मैं ये डोर खोल सकता हूँ, ये खुल ही नहीं पाएगा। यस, तो उसने ओपन कर दिया है, देन अभी हम जाएंगे ऊपर। तो ये है एंट्रेंस। तो ये दोनों साइड पे रूम से, वहाँ पे भी रूम है, यहाँ पे भी रूम है, और इसके पीछे ना क्लब है, ये गुजको स्ट्राशर का स्टूडेंट क्लब है, तो वो है। तो वो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उस साइड से अगर आप आओगे ना तो वहाँ पे क्लब है। तो हम इस साइड पे डोम है, तो ये डोम का लेफ्ट साइड है, ये डोम का राइट साइड है। इको आ रही होगी बहुत क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा है, देखो आप पैक है पूरा। तो अभी हम अभी यहाँ पे इस डोम के बेसमेंट में, क्योंकि ऑलवेज बेसमेंट में ही हमारी लॉन्ड्री के रूम एंड साइकिल स्टोरिंग का रूम रहता है, तो हम अभी जाएंगे। और ये मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये जो बिल्डिंग है ना, मतलब वर्ल्ड वॉर सस्टेन की ये बिल्डिंग, और तो स्ट्रक्चर भी उस हिसाब से होगा, आपको काइंड ऑफ फीलिंग आएगी कि मतलब बंकर टाइप का है। तो चलो अंदर जाके देखते, और इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, तो मैंने ये यहाँ पे जिसकी रूम दिखा है ना, उन्होंने मेरे को सब इन्फॉर्मेशन बताई है। तो अभी चलो अंदर जाके देखते हैं सब चीज़ें डिटेल में। ये लाइट ऑन होने के बाद का ये फील है, आप देखो अगर लाइट ऑफ होगी तो कैसा दिखेगा। ये है ना, यहाँ से आप बाहर जा सकते हो, ये पूरा बाहर जाने का है, ये बाहर जा सकते हो यहाँ से आप। अभी हम जाएंगे उधर। तो ये साइकिल का रूम है, तो साइकिल का रूम का सिंबल आपको यहाँ पे पता चली जाएगा, साइकिल के रूम का सिंबल। तो यहाँ पे आप अपनी बाइसिकल स्टोर कर सकते हो, और ये कीस भी दो टाइप की है, एक सेंसर, ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है वो, एंड ये कीस है, दोनों से खुलती है। अभी हम सेंसर से खोलेंगे, तो ये ग्रीन हुआ, खुल गया। तो इतना बड़ा साइकिल का स्टोर है यहाँ पे, तो क्योंकि देखो मॉनसून के सीजन में यहाँ पे अगर स्टोर है ना, देन अच्छा है, हमारी साइकिल कोरोड नहीं होगी, तो ये बेस्ट चीज है। हमने सेकंड डोम जो देखा उसमें फैसिलिटीज नहीं थी,
और ये जितनी भी फैसिलिटीज है ना, आप जो रेंट का जो चार्ज है ना उसमें आप यूज कर सकते हो उसको। इस सब के लिए आप एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। तो ये चीज है, मेरे को बाइसिकल के स्टोर के बारे में आपको पता नहीं थी, तो ये इसका रूम है। चलो अभी हम देखेंगे उसके सामने ही एग्जिट, वॉशिंग मशीन एंड ड्राइंग का रूम। तो चलो आ जाओ, इसको बंद कर देंगे, लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे ड्राइंग एंड वॉशिंग का रूम। तो आप लोग ये देखो, मैंने आपको लाइट ऑन के साथ दिखाया था, ये ऑफ है, बट ये कैमरा है इसलिए थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, बट ये ऐसे फील आती है भाई, यहाँ पे डरावना है थोड़ा। तो इस हिसाब से ये सब, ये जो साइकिल का रूम था वही है ये साइकिल का। देन अभी हम जाएंगे लॉन्ड्री के रूम में। तो इसके भी सेम सेंसर की कीस से खुलेगा, देखो भाई बहुत ही बड़ा मतलब रूम है यहाँ पे। इस साइड पहले ड्राइंग का एरिया देख लेते हैं, तो ये इतना बड़ा ड्राइंग का एरिया है। ये रोप यहाँ पे होती है, बट अगर आप अपने साथ में लेके आओगे तो चलेगा, बट आने की जरूरत नहीं, यहाँ पे है। और यहाँ पे भी ड्राइंग का एरिया है। मेरे डोम का ड्राइंग का एरिया बहुत ही छोटा था, एक रूम ही था। तो मेरे मेरे डोम का जो एरिया आपने देखा वो बहुत ही छोटा था, बट देन सेकेंड डोम देखा उसका उससे भी छोटा था, बट ये सबसे बड़ा है आज तक का। मैंने ड्राइंग का एरिया सबसे बड़ा ये यहाँ पे देखा है। अभी यहाँ पे आते हैं वॉशिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे 5 वॉशिंग मशीन है, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। देन ये ऊपर के जो जितने भी है ना वो ड्रायर से, तो ये यहाँ पे सही है, 3 ड्रायर है हमारे डोम में, एक ही ड्रायर था। तो ये चीज है, सेम चीज है। आप यहाँ पे ये ऐप होती है मीट वॉश की, तो यहाँ पे आप इस ऐप से सब चीजें देख सकते हो, कौन सा वॉशिंग मशीन अवेलेबल है। आप ऊपर से घर से आने से पहले ही आप चेक कर सकते हो, और ये सब उसकी लिमिट है। मतलब कॉटन है तो आप 7 kg तक डाल सकते हो, इजी के लिए ऐसे आप 3.5 kg तक डाल सकते हो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है। और ये फॉर एग्जाम्पल ये अभी रनिंग है, बट ऐप में आप देखोगे ना जब आप घर से निकल रहे हो तो क्या होता है कि मोस्टली अगर सब ऑक्यूपाई है तो देन आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, देन ऊपर जा रहे हो आप वापिस, क्योंकि ऑक्यूपाइड है। तो इसके लिए ऐप है ना बहुत ही हैंडी है, क्योंकि जब भी आप देखोगे ना उसमें देन आप देख पाओगे कि कौन सा अवेलेबल है कौन सा नहीं है, तो उस हिसाब से आप घर से निकल सकते हो। ये ड्रायर का है, अगर आपको ड्रायर में करना है तो ड्रायर का है, 1.2 यूरो ही है, और इसका 2.4 यूरो है, जो जैसे मैंने पहले आपको बताया था वही है सेम। और अगर नहीं करना है देन यहाँ पे भी और एक ड्रायर का रूम है, तो आप यहाँ से यहाँ पे भी कर सकते हो। तो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये काइंड ये बंकर ही था पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो उन लोगों ने इसके लिए यूज किया होगा, बाद में रिनोवेट किया है इन लोगों ने, डोम में कन्वर्ट किया है। तो सेम फील देता है भाई डरावनी, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना वो लोग बोलते हैं कि रात में यहाँ पे आना उनको डर लगता है। तो ये चीज है, तो स्ट्रक्चर देखो। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, हम देखेंगे किचन, देन हम देखेंगे टॉयलेट के एरिया, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे रूम। और रूम में जाके मैं आपको सब रेंट की डिटेल्स एंड कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलो अभी ऊपर जाते हैं और किचन देखते हैं। ये देखो आप कितना अंधेरा है ना, डरावना। अभी जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे आपने देखा ना, तो ये जो भी चीजें हैं ना वो किसी की है जिनको नहीं चाहिए, चीज तो फ्री में है, अगर किसी को चाहिए तो आप ये यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे बुक्स है, मेरे को ये सब है ना जर्मन की बुक्स लग रही, लैंग्वेज की बुक, और ये सब चीजें बोतल भी है, तो ये सब चीजें आप ले सकते हो। चलो अभी ऊपर जाते हैं। तो अभी हम 4 फ्लोर चढ़ के ऊपर आ गए। अभी यहाँ पे ना दो बिल्डिंग है ना, एक है ओल्ड और एक है रिनोवेटेड। तो हम जो बिल्डिंग में रूम देखने वाले ना वो ओल्ड बिल्डिंग है, अभी हम रिनोवेटेड वाले देखेंगे। यहाँ पे इस फ्लोर पे आपको सिंगल रूम अपार्टमेंट मिलेगा, मतलब एक रूम के अंदर किचन एंड वॉशरूम दोनों होगा, एंड टू शेयरिंग भी है यहाँ पे। तो देखते चलो, बस बाहर से दिखाऊंगा कैसा स्ट्रक्चर है। तो ये जो अपार्टमेंट है ना वो है 1 सिंगल रूम अपार्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि रूम किचन एंड टॉयलेट एंड वॉशरूम है ना दोनों एक के अंदर ही होता है। तो इसका रेंट है 310 यूरोस। अभी हम जाएंगे हमारी मेन रूम, ये सब ये नया रिनोवेटेड बिल्डिंग है,
तो आपको स्ट्रक्चर से आइडिया आ ही रहा होगा। सब सीलिंग देख लो, तो इस हिसाब से यहाँ पे रूम है, टू शेयरिंग में भी है, थ्री शेयरिंग में भी है और एक सिंगल अपार्टमेंट भी। चलो अभी हम हमारा किचन देखते हैं। तो किचन में जाए उससे पहले मैं आपको ना पूरा फ्लोर का लेआउट दिखा देता हूँ, कैसा प्लान है यहाँ पे। तो चलो, ये है ना जब हम यहाँ से एंटर किए थे, ओके, तो यहाँ पे सिक्स रूम है, जो जो फ्लोर मैंने बीच वाला दिखाया ना, तो वहाँ पे एक वॉशरूम है, वहाँ पे किचन है और छः रूम है, ओके। देन जिसका रूम हम देखने वाले वो ये 407 है। तो आपको प्लान से आइडिया आ रहा होगा, सबसे बड़ा रूम है फ्लोर पे, देख लो एक सब बात सब जगह पे। तो इसका एरिया है 24 मीटर स्क्वायर, देन ये आता है 9 मीटर स्क्वायर का, ये जो जितने भी छोटे रूम दिख रहे हैं ना, 430, 408, ये 9 मीटर स्क्वायर है। देन आएगा ये 16 मीटर स्क्वायर का, और उस हिसाब से सब रूम्स का लेआउट है यहाँ पे। देन यहाँ पे किचन आएगा, हर सेक्शन में किचन एंड वॉशरूम है। तो सेक्शन कैसे डिवाइड किए, तो यहाँ पे 5 रूम है, तो ये देखो यहाँ पे एक सेक्शन खत्म होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो एक 24 का है, देन 16 का है, देन 9 का है, यहाँ पे किचन है और वॉशरूम है। देन हम इस वाले सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे 7 रूम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे किचन है और ये वॉशरूम है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और बीच में 6। तो उस हिसाब से पूरा लेआउट है। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। यहाँ पे 7 लोग किचन एंड वॉशरूम शेयर करते, यहाँ पे 5 लोग किचन एंड वॉशरूम शेयर करते, देन यहाँ पे 6 लोग किचन एंड वॉशरूम शेयर करते, और सेम साइज है यहाँ पे भी। तो ये है पूरा बिल्डिंग का लेआउट। चलो अभी सबसे पहले किचन देखेंगे, देन वॉशरूम देखेंगे, देन रूम देखेंगे। तो ये जो 5 रूम का मैंने देखा है ना, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 वहाँ पे किचन एंड वॉशरूम है। तो चलो ये दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो 7 रूम है, 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट में 2 है, 6, 7, ये है वॉशरूम और ये है किचन। ये किचन में जाएंगे अभी हम, देख लो ये किचन। तो यहाँ पे नीचे फ्रिज से वो देखते हैं, सबसे पहले फ्रिज देखते हैं हम, ये बड़ा फ्रिज है यहाँ पे, ये फ्रीजर होगा। तो ये है, अब सब लोग यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो 7 लोग रह रहे ना, उन लोगों का शेयरिंग नहीं है सब यहाँ पे। आप सब अपनी मतलब ग्रोसरीज हो या कुछ यूटेंसिल से वो रख सकते हो यहाँ पे आप। देन ये है हमारा स्टोव, 4 स्टोव आते हैं, देन ओवन आता है, ये चिमनी है, देन ये यहाँ पे आप वॉश कर सकते हो अपने यूटेंसिल्स, यहाँ पे बैठ के खा सकते हो आप। और यहाँ पे और एक छोटा एक फ्रिज दिया है इन लोगों ने। तो 6 शेयरिंग, 7 शेयरिंग, 8 शेयरिंग में आपको रूम में फ्रिज नहीं मिलेंगे। मेरी जो डॉर्मेटरी है जिसमें 20 शेयरिंग है, उसमें हमको रूम में पर्सनल फ्रिज मिलता है, क्योंकि वो कितने ही फ्रिज देंगे हमको 20 लोगों के बीच में, समझ रहे हो, इसलिए उन लोगों ने छोटे छोटे रूम 20 रूम में दे दिए। तो ये चीज है, इतना ये डिफरेंस है। देन हम जाएंगे अभी वॉशरूम में, दिखा था आपको किचन देख लिया आपने, तो किचन के बाद देखते हैं चलो अभी वॉशरूम फैसिलिटीज, उसके लिए भी चीज चाहिए हमको। तो ये बाथरूम देख लो एक बार, यहाँ पे आपको 2 बाथरूम्स मिलते हैं, एक ये है और एक इस साइड पे। देन यहाँ पे वॉश बेसिन है, ये देन ये, तो ये बाथरूम है। देन अभी आएगा टॉयलेट, ये टॉयलेट है, यहाँ पे भी एक टॉयलेट है। तो भाई ये है बाथरूम और टॉयलेट की फैसिलिटीज। अभी हम देखेंगे रूम। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ वो इस रूम के बारे में, कि फॉर एग्जांपल अगर आप कीज भूल गए, ये भी लॉक है, ये खुल गया, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेड है वो कीज अंदर भूल गए, तो अगर आप खींचोगे ना ये लॉक, अभी सपोज करो आपको आपके पास कीज नहीं तो कैसे खोलोगे, देन आपको हाउस मास्टर को ही कॉल करना पड़ेगा। तो देन अगर सुबह भूल गए अंदर, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, अगर सुबह भूल गए देन 60 यूरो है फाइन। तो हाउस मास्टर आएगा सुबह, मतलब ये जो केयर टेकर होते हैं स्टोर के, वो आएंगे और आपको डुप्लीकेट कीज देंगे, या तो उससे उनके पास भी कीज होते हैं जिससे ये डोर खुलेगा और आप अपनी कीज ले सकते हो, उसका फाइन है 60 यूरो। अगर रात में भूल गए, रात में भुला रहे हो, देन 90 यूरो फाइन है। तो ये चीज़ें नहीं,
ये दीदी बता रही थी, तो ये कीस साथ में लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलना है। तो यहाँ पे कितने लोगों ने फाइन भरा होगा वो तो उनको ही पता है, बट ये चीजें ध्यान रखने लायक। तो चलो अभी हम जाएंगे रूम देखने के लिए, तो सब चीजें बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे शेल्फ मिलता है हमको, तो जो यहाँ पे रह रहे हैं मेरे फ्रेंड, उन्होंने यहाँ पे शूज रखे हैं अपने, देन ये यहाँ पे बोतल है, वाटर बोतल है, सब यहाँ पे सामान है उनका, देन ये ग्रोसरी से पूरा ग्रोसरीज का शेल्फ है। बहुत ही बड़ा रूम है भाई ये, बहुत बड़ा रूम है ये, मेरे से तो बहुत बड़ा है ये। तो यहाँ पे पूरा कपड़े रखने का यहाँ पे भी मिलता है हमको, देन ये रैक उन्होंने लिया है, खरीदा है उन्होंने। ये सोफा का यहाँ पे एक चीज है, आपको कितना मिलता है इसमें से, ये बहुत ही सही रूम है, बट आपको लगेगा कि ये इतनी ज्यादा फैसिलिटीज कैसे है यहाँ पे। तो जितनी भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको दिख रही है ना, ये इन्होंने ली है। तो इस रूम में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, आपको लग रहा होगा कि इतना ज्यादा मिलता है, नहीं इतना नहीं मिलता। तो क्या क्या मिलता है हमको रेंट में वो बताता हूँ मैं। ये स्टडी टेबल आपको मिलेगा, चेयर नहीं है, रेंट में इंक्लूडेड। देन ये बेड मिलेगा, देन ये टेबल मिलेगा, ये चेयर मिलेगी आपको जो सिमिलर है मेरी जो चेयर थी वैसे ही। देन ये शेल्फ मिलेगा, देन और एक शेल्फ मिलेगा आपको ये रेंट में, देन ये वार्डरोब मिलेगा। बाकी की जितनी भी चीज देख रहे हो ना, ये ब्लैक वाली चेयर, ये सोफा और ये रैक कपड़े और ये लगाने का, वो सब इन्होंने लिया है। तो ये कहाँ से लिया है, सब चीजें फ्री में है। तो ये सब चीजें फ्री में कहाँ से मिलती है आपको, मैं भी पता ही होगा, ईबे से मिलती है। ईबे ऐप है वहां पे ना, लोग यहाँ पे जो मूव आउट करते हैं ना, यहाँ पे रेसिडेंट जो पहले से होते वो अपनी चीज फ्री में गिव अवे करते हैं। जो वहां पे एड आती है आपको चेक करती रहनी है, अगर आपके पास इतनी बड़ी स्पेस है तो क्यों ना हम ये सब चीजें ले। मेरे रूम में इतनी स्पेस नहीं है, तो इसलिए मेरे पास जगह ही नहीं है सब सोफे और सब चीज रखने की, है ना। तो ये रूम बहुत सही है। तो इसका रूम के रेंट के बारे में मैं बता देता हूँ, इसका रेंट है 275 यूरो। तो 275 यूरो में हमको मिलते हैं 24 मीटर स्क्वायर का एरिया मिलता है और ये सब फैसिलिटीज मिलती है। तो इस जो सेक्शन है, 7 रूम का सेक्शन है, इसमें एक ही रूम है जो इतना बड़ा है। तो ये लकी था कि उसमें इसको ये रूम मिल गया। जब आप अप्लाई करते हो ना इस डोम के लिए, तब आपको चॉइस नहीं रहती, आप ऑब्वियसली चॉइस डाल सकते हो कि मेरे को ये 24 मीटर स्क्वायर वाला रूम चाहिए, बट ये आपका लक भी होगा कि आपको मिल जाएगी। तो ये जो मेरे फ्रेंड है उनका लक था कि यहाँ पे मिल गए उनको, क्योंकि आप अगर दूसरे रूम देखोगे ना, देन ये 9 मीटर स्क्वायर का रूम है छोटू सा, देन 16 मीटर स्क्वायर का, तो उसका रेंट है 260 यूरो। तो आप समझ रहे हो कि कितना डिफरेंस है, 260 यूरो एंड 275 यूरो, 15 यूरो के डिफरेंस में कितना बड़ा रूम मिलेगा। 9 मीटर स्क्वायर आप अज्यूम करो इसका थर्ड पार्ट होगा, समझ रहे हो, 2.5 पार्ट होगा इसका, मतलब इससे छोटा होगा, 2.5 टाइम्स छोटा होगा ये। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, ये इतना होगा, इतना 9 मीटर स्क्वायर का। तो 15 यूरो में आपको इतना बड़ा लिविंग स्पेस मिलेगा, तो ये बेनिफिट है, बट ये लक आपका काम करना चाहिए, थे नहीं ये पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे ड्रेसडन में आके जितने भी स्टूडेंट डोम के रूम देखे ना, सबसे बेस्ट रूम मेरे को ये लगा है और बहुत सही रूम है। दूसरी चीज, कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस सेम है, www.studentandworkdresden.com लिखोगे ना तो ड्रेसडन की पूरी वेबसाइट आ जाएगी डोम के बारे में, जिसमें आप जाके एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में मैंने पहले के वीडियो में भी बताया, बट और एक बार बता देता हूँ आपको। वहां पे जाके आपको कौन कौन सी चीजें डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, जो जैसे ही आपका एनरोलमेंट आ जाता है ना, तो तुरंत आपको वहां पे जाके अप्लाई कर देना है, ताकि आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको अपना रूम मिल जाए। ओके, तो इस डोम का नाम है गुड्सको स्ट्रासर 29-33, तो उसका नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो अगर आपको ये रूम पसंद आ रहा है, देन जो भी लोग ड्रेसडन आ रहे, तो आप कंसिडर कर सकते हो इसको एज ए चॉइस। और वहां पे कमेंट आएगी, जब आप कमेंट डालने की आएगी, आपकी विश क्या है वो डालने की आएगी, एक सेक्शन आएगा जब आप अप्लाई करोगे, तब आप बता दो उनको कि मेरे को 24 मीटर स्क्वायर का रूम चाहिए। बट बहुत ही रेयर है ये 24 मीटर स्क्वायर का रूम, क्यों, क्योंकि ईच फ्लोर पे 3 रूम है, ऐसे जैसे प्लान में देखा होगा आपका, 2 या 3 रूम है मेरे को याद नहीं है, तो 5 फ्लोर है, तो मतलब कितने रूम हुए, 10-15 रूम हुए। तो आप सोचो कि कितने चांसेस है इतने ज्यादा रूम में आपको मिलने के, बट एनीवेज हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो चॉइस हम डालते हैं, अभी हमें मिले ना मिले वो हमारा लक है। ओके, तो ये चीज मैंने आपको एडवाइस दे दी,
कि आप ऐसा भी कर सकते हो। अब तक मैंने कितने डोम दिखाए आपको वो समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले मेरा डोम 20 लोगों के बीच में शेयरिंग होता है, लिविंग एरिया कितना है 18 मीटर स्क्वायर और उसका रेंट कितना है 260 यूरो। देन आता है दूसरा डोम जो मैंने आपको दिखाया था, उसका लिविंग एरिया कितना है 9 मीटर स्क्वायर। देन उस वो लोग 8 लोगों के बीच में शेयर करते हैं, मेरा रूम हम 20 लोगों के बीच में शेयर करते हैं, उसका रेंट कितना था 258 यूरो। देन ये आता है इसमें तीन तरीके के रूम है, इस एक सेक्शन में कितने हैं 9 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर एंड 24 मीटर स्क्वायर। 9 और 16 मीटर स्क्वायर का रेंट है 260 यूरो। देन आता है 24 मीटर स्क्वायर का रूम, उसका रेंट है 275 यूरो। ये है 7 लोगों के बीच में शेयरिंग। और एक डोम है जो मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा अपकमिंग वीडियोस में। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो जर्मनी में आने का सोचे या जर्मनी आके पढ़े करने का सोचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर दो। बस कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।